गुरुदेव नाम किसका। आप बैठ जाओ। तो बैठ जाओ सब कैसे। बड़े भाग से अच्छे पुण्यों से शरीर मिला और अच्छे पुण्यों से ही समाज के लोगों से संबंध होता है और अच्छे पुण्यों से रास्ता मिलता है। और भी पुण्य अच्छे हों तो भजन भी अच्छा बनता है। ये शरीर भजन के लिए आपको दिया गया। जिस तरह से बच्चों के लिए मेहनत करते हो और किसी की परवाह नहीं करते हो और बच्चा कोई चला जाए या खो जाए या तो कोई उठा ले जाए या उसकी मृत्यु हो तो बहुत रोते हो, बहुत ज्यादा। तो माँ बाप उसके घर वाले बहुत रोते। इसका कुछ ही रोना अंत रूप में भी भगवान के होने के लिए हो तो बन जाएगा। तो उसके लिए अपने पास कोई स्थान है कि उसके नाम पर दुआ सुखराए। लेकिन जिन लोगों ने उसको पाया वो कितना रोते रहे। जवान से कुछ जब रास्ता मिल जाए तो उसके लिए तड़प तो होनी चाहिए। जब अपने घर में तक पहुंचे जब तुरंत लोग में पहुंच जाएंगे तो समझ लो कि काम उसका हो गया। वैसे उसे ताकत बल ज्ञान आदेश मिल जाएंगे। ऊपर जाओ तो अलग लोग में कोट अनकोट सूर्य चांद उजाला सत्पुरुष का अरब चांद और सूर्य उजाला अलग पुरुष का। इतना उजाला इतना प्रकाश है और खरब सूरज और चांद उजाला अगम पुरुष का। एक एक का ये वर्णन है और ये कोई जवान से कहा गया और भी ज्यादा है। ऐसा उद्यम प्रकाश और आगे जो है मालिक अनामी पुरुष। तो वो तो आकर
अपार उनकी कोई यहां गिनती नहीं है। और पचपन मड़ी जड़ी महलर में, कितनी मड़ियां जली हैं महलों में, और कितना बड़ा महल है आप समझते होंगे कि मैदान में बैठा होगा। ऐसे संसार और ब्रह्म के लोक के संसार और पार ब्रह्म के संसार, संसार लोक और महाकाल पुरुष के लोक अनगित दिल बन जाए तो उसकी एक बूंद है, एक बूंद। तो कह नहीं सकते उसको कह और अपार है। जब चारों तरफ सत्संग चलता है तो सुरतों में जागृति होती है। मन में उदास होता है, चलो सत्संग सुने, कुछ पूछा जाएगा, कुछ समझा जाएगा। तो जितने उनके वृत्त होते हैं तो तंग में सबका उत्तर मिल जाता है। उनके पास पूछने की कोई चीज नहीं रहती तो तंग में सब आ जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। तो सुरतों में जब जागृति हुई तो पूछ सकते हैं कि भाई आपको इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, तो क्यों आप क्या करना कराना चाहते हैं, बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से भेद कहो अपना तुम मोसे। पूछ दिया कि स्वामी आप सुंदर तो रूप है आपका मनमोहर, तो पूछ दिया कि आप अपना भेद तो बताइए कि आप कौन कौन है। हमारे परिवार के तो आप हैं नहीं, तो आप कौन है और क्या पूछती है। बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। और आपका निवास स्थान कहाँ है, किस लोक में है, और यहाँ पर आए हो तो मृतलोक है, यहाँ कहाँ रहते, किस लोक से और कहाँ से आए, ये हमको सब बताइए जो हमारा प्रश्न है। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। यहाँ पर आप आए हो जहाँ मैं, यहाँ से आपका देश कितनी दूर है, सौ कोस है, हजार कोस है, या 2000 है, लाख कोस है, कितनी दूर है।
और मैं तो बहुत खोजा। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। हमने बहुत खोजा तो हमको आप कहीं नहीं मिले, न हमें दुख मिले न तर्क मिले न वैकुंठ में मिले न इतुर के लोक में और न ब्रह्म के लोक में मिले। कौन है मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोह लखाओ। और हमारा हाल हम कौन है अलग अलग बताइए, फिर हम यहाँ क्यों भेजे गए आप अपना बताइए। क्या मौज है, क्या हमसे कराना चाहते हैं? सब प्रश्न का उत्तर दीजिए जो जो हम पूछे, बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुत तक मैं जब से। मन के साथ तन के साथ यहाँ कब से पड़ी हूँ ये बताइए, और यहाँ जो बहुत दुख मिले बहुत कष्ट मिले तो ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया, तो ये हमको बताइए, हमको समझाइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी पर देश निहारा। और आपका देश क्यों भूल गई, पराए देश में आकर के हमने अपना देश कहा, ऐसा क्यों यहाँ क्यों भूल गई, यहाँ पराए देश को अपना देश अपना सामान ऐसा क्यों, ये बताइए आपका देश क्यों। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। पाताल में बसते हैं या मृत लोक में या ब्रह्मपुरी में या शिवपुरी में, आप कहाँ रहते हैं, इस लोक में निवास करते हैं। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में। और वृत लोग या वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में आप रहते हैं, और ये तो मृत्यु लोग है। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक में। यदि पुरुष लोक में या प्रकृति लोक में या राम लोक में या कृष्ण लोक में, किस लोक में आप रहते हैं? या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक में। या सब लोकों में रहते हैं, सब लोगों में चार खान 84 लक्षों योनियों में भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? इन जल के जीवों में रहते हैं, थल के जीवों में भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फिर बकरियों में भी रहते हो, ये हमको बताइए। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। और आपने हमको यहाँ मृतलोक में डाल दिया, और यहाँ हम तो भरम गए भूल गए, और कितनी चलने की कोशिश कर रहे हैं, मन नहीं वहां जाता, क्योंकि वहां जाए तो फिर हमको यहीं डाल देंगे,
मोर मारे पीटे जाएंगे। अब विश्वास नहीं होता, जो आप कहते हो कहते होगा। यहां से वो सबसे हट करके वहां जाए तो सब विरोधी हो जाएंगे। देवी देवता सर ब्रह्म, ईश्वर भी विरोधी, पार्वती भी, वो भी और ब्रह्म भी विरोधी हो जाएंगे। और फिर यहां भेज दिया तो नाना प्रकार के फिर कष्टों का सामना करना। और हमको क्यों कहते हैं कि तुम्हारा देश नहीं है? हम तो बहुत दिनों से यहां रहते हैं, हमारा देश यही है। जब बहुत दिनों से रहते हैं तो हमको यही मिला, यही है। हम कैसे कहते हैं कि हमारा नहीं? अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। अगर तुम आए वो दुर्गा चितावन जगाने ले चलने के लिए, और रूप आपने जो धारण किया है उससे हम खींच गए, खींच गए, खींच हमको खींच लिया इस रूप में। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। और मैं दासी हूं, मैं आपके चरणों को देख रही हूं। और आप बताइए अपना भेद पूरा कि कहां के रहने वाले। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूं खोले। बहुत प्रसन्न होकर के बोले, प्रसन्न भैया बोले, और तुझे सब भेद बताता हूं कि मैं कौन हूं। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूं सभी अब कर विस्तारा। इसमें मेरा भेद पूछ जाए तो सब तो विस्तार के साथ तुझे बताऊंगा, उसको तू सुन ले अच्छी तरह से। मैं हूं अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। मैं हूं मौज में अपनी, मैं रहता हूं अधर में, अपनी मौज में रहता हूं। मैं यहां का नहीं हूं, अधर का हूं, वहां रहता हूं। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूं तो कहन में आवे। और मेरा भेद किसी को पीता नहीं, कोई जानता नहीं है कि अगम कहां है, अधर कहां है। मैं कहूंगा तभी जानने को मिलेगा, और नहीं कहूंगा तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। मैं अधर में ये तो भूत से भी करोड़ इतना छोटा ये सब है। मेरा देश तो कोई कह नहीं सकता, ऊपर से नीचे विस्तार हुआ तो ये तो सब छोटा ही बनता जाएगा। तो नीचे का पीरथम अगम रूप मैं धारा, दूसरे अलख पुरुष हुआ न्यारा। मेरी इच्छा हुई, मेरी मौज हुई तो पहला अगर रूप मैंने धारण किया तो मैं अगम लोक में बैठा। तीसरे सात पुरुष मैं भया, सात लोक मैं ही रच लिया। और अलग दूसरा अलग अलग पुरुष
रूप धारण किया तो मैं अलग लोक में बैठ गया। और तीसरा सत्पुरुष रूप धारण किया तो वहां सत्यलोक में बैठ गया और मेरा नाम सतनाम है, मेरा नाम सतनाम है। मैं अधर्म हूं, अगम में नहीं, अलग में नहीं, सत्य में नहीं। ये तो जब से रूप धारण किया है तब से वहां रहता हूं। इन तीनों में मेरा रूप, कोई अगर मिलना चाहे तो पहले सत्योग में आए, सत्यूप का दर्शन करें। इन तीनों में मेरा रूप, यहां से उतरी कलायनूप। और फिर अलग लोक में पहुंचे, अलग पुरुष का दर्शन, फिर अगम लोक में पहुंचे, अगम पुरुष का दर्शन, तब जब गएगा आधार में, अनामी है। अब सत्यलोक से एक अनूप कला उतारी महाकाप, फिर नीचे उतार दिया उन्होंने पार ब्रह्म, फिर सत्पुरुष ने उतार दिए ब्रह्म, फिर वहां से उतार के भेजा निरंजन भगवान को, ईश्वर को, सबको अपने अपने स्थान पर बैठ के और उनको तो ये चारों सत्पुरुष से बैठाए हुए महाकाल पुरुष महालोक में, और पार ब्रह्म जो है दक्षिण द्वार में, और ब्रह्म जो है वो त्रिकुटी में, और ईश्वर से दल कमल में इनको यहां बैठा दिया। और मैं इन सबसे अलग हूं। यहां तक निज कर मुझ अलग का दर्शन करोगे फिर अगम का पहचानने आ जाएगा, तो उनकी मदद से, उनकी दया से लोग में चले आओगे अधर में अनाम में। यह दर्शन ब्रह्म को उन्होंने बैठा दिया अपने अपने मुकाम पर। और फिर ये दो कलाएं, एक निरंजन भगवान और एक आद्या महाशक्ति की, उतार करके नीचे भेजी। और ये कला दोनों उतर के आई, एक तो सैदल कमर में बैठ गई और एक जजीदी मुकाम में बैठ गई, और दोनों ने मिलकर के फिर यह भवतागर की रचना की। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप अभी तो कलाएं उतर के आ गई और अपने अपने मुकाम पर बैठ गई। अब इन्होंने ये रचना नीचे की है, तुम लोग जहां ये बैठे
फिर वैकुंठ धाम की स्वर्ग धाम और विजय विठलों की, इनका व्यवहार विस्तार तीनों इन तीनों लोगों में है। और जहां बैठे वो जम लोग हैं, चार लोग के मालिक हैं, के मालिक नहीं है न पार्वण के, यहाँ के मालिक है इनका, यहाँ शासन चलता है। बस यहाँ बैठ त्रिलोक की रची, पांच तीन की धूम अब मची। यहाँ बैठ करके उन्होंने बता करके तीन गुण रजोगुण तमोगुण तत्व ये इन्होंने, और फिर पांच तत्व यहाँ जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका मोटा खोल है। फिर सत्ता तत्व का, फिर चार तत्व का, और फिर दो तत्वों का, इस तरह से अलग अलग बैठ करके पूरा विस्तार कर दिया। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छा में विस्तारा। ये देवन तीन लोगों से परे हुए, मैं यहां नहीं रहता हूं, मेरा रूप तो त्रिलोक में अलग अलग में है, और मैं तो अपनी मौज में रहता हूँ नाम में, मेरी इच्छा हो। सुनो, तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। ये जो लोग है मृतलोक, ये सतलोक की एक बूंद है, बूंद का बता रहे हैं, एक बूंद है, एक तो माया का दूसरी बूंद। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता, न पाताल में हूं न स्वर्ग में हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता, और न ब्रह्मा हूं न महेश हूं, नहीं गोलोक नहीं साके, और न साकेत में हूं न गोलोक में, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत, ब्रह्मलोक में भी नहीं इंद्रपुरी में भी नहीं। तीन लोक व्यापक मैं नहीं, और तीनों लोकों में भी व्यापक नहीं हूं। बूंद एक मेरी यहां रही, सतलोक की एक बूंद है वो यहां रहती है, उतना ये सब बता रहा है। सतलोक की एक बूंद सागर की, सागर की तो सागर ही होती, एक बूंद समुद्र की, तो एक बूंद का ये पता रहा था। उसी बूंद का सकल पसारा, वेद ताही कहे ब्रह्म अपारा। बस तो कहते हैं भाई ये अपार है, वेद शास्त्र कहते हैं अपार है, अपार है, तो आगे कुछ नहीं है, और सब से आगे भरा हुआ सब है, इसके आगे तो ब्रह्मी बैठे हुए, उसके आगे जो है वो पार में बैठे हुए, और उसके आगे महाकाल पुरुष है, ये तो बड़े बड़े देश है, बड़े बड़े लोग हैं। किसी को कह दिया कि ये अपार है, इसके आगे कोई नहीं जानता,
वेदांति आहि ब्रह्म बखाने, सिद्धांति आहि शुद्ध पुकारे। न पाने के न देखने के कारण जो जिसकी बुद्धि में आया वही सोचने लगा, उसी का अनुमान करता है, कुछ नहीं करता। बस यही से चौपट हो गया था, सबको भरपा दिया, किसी को ठोस ठिकाने का पता नहीं दिया, सबके सब भरम गए और सब इसी पर जोर देने लगे, और जो कोई सच्ची बात कहे उससे झगड़ा करने लगे, उससे झगड़ा करते उसको चुप कर देते। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। आगे तो बगैर सतगुरु के, बगैर गुरु के कोई भेद नहीं पाता, गुरु की खोज बिना बिना मिले जो गया है वो मिलेगा तभी उसका भेद मिलेगा। जो वहां गया नहीं है वो नहीं बता सकता। जितने मत हैं जग के माही, इसी बुंद को सिंध बताही। तो जितने मत है इस जगत में सभी इसी को सिंध कहते हैं। यही सिंध है, यही अपार है, ये बहुत बड़ा है। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही संहारा। कहते हैं सिंध तत्वों इनसे अलग है और वो जाते नहीं है। वेद के देव में तो ये सब कुछ लिखा ही नहीं, जो दूसरे थोड़ी बहुत साधना की वो उसी को कहने लगा यही सब कुछ। किसी किसी ने कहा आत्मा ही सब कुछ है, इन्हें सूरत को ही सब कुछ बताया कि यही आत्मा है, यही यही आत्मा, यही भगवान है। इसी को ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि करम भरम लिपटाए। बस जितने भी है सब इसी का गुणगान गाने लगे और इसी में सबको भरवा दिया। इससे अगर कोई बात करे तो उससे झगड़ा करते, उससे झगड़ा करते हैं, वो देखी कहते हैं ये सुनी, ये सुनी कहते हैं वो देखी कहते हैं। तो देखी का बात नहीं मानते, सुनी का मानते। जब मूल वेद नहीं मिलेगा तो क्या बताऊं मैं। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बुद्ध भेद पूरा नहीं मिलिया। तो पीर पैगंबर जितने भी आए औलिया उनका पूरा वेद नहीं मिला, ऊपर का नहीं जा रहा, उनका यही सब कुछ है और कुछ नहीं। सुनो सूरत तुम अपना भेद, और तुम हम में थी सदाया भेद। अरे पहले तो हम में तुम थी, कोई भेदभाव नहीं था, और जब नीचे रचना की तो फिर हम अद्वैत भाव हो गया कि तुम कुछ नहीं हो हम ही तक कुछ। भूल तो इस कारण पड़ गई, नीचे का कहां से विस्तार हुआ तो उनको मालूम नहीं, और भूलते चले गए तो ईश्वर को भी नहीं पा सकते, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं देख सकते, और स्वर्ग भी नहीं मिलता है, और वैकुंठ को भी नहीं पा सकते। कहते हैं कि अब इसका कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि दरवाजे पर बैठे हो स्वर्ग और वैकुंठ के, तो कहते हैं नहीं इसका कोई रास्ता नहीं।
काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न बिचारी। जब काल निकाल को हमने अलग किया तो उसने हमारी सेवा की है, किसी की सतपुरुष थी सतलोक में बैठे हुए उनकी सेवा की, कितने युगों तक कितने कल्प बीत गए सेवा करते करते, तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, अपने मुंह से जो कुछ मांगो मुझसे वही हम दे देंगे। इन्होंने भी सेवा के बस होकर के जो कुछ कहा, तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। उसने हमको तुमसे मांगा, तुमको हमसे मांगा, तो हमने जो सेवा की थी उसको दे दिया, यानी सुरतों को दे दिया, जीवात्माओं को सेवा बस होकर काल ने सेवा की सतपुरुष की जो सुरतों को दे दिया। हमसे मांगा कि हम भी राज करेंगे तो हम कुछ सुरतों को दे दो, तो उन्होंने दे दिया। काल लाए तन मन में घेरा, और दुख सुख पाया तुम बहुतेरा। तो जब ले आया तू तुमको तो यहां शरीर दे करके उसमें भरवा दिया, इस तन में बैठा दिया, इस यथात मन मिला दिया, तुरतमुख बैठा तो रास्ता भूल गए, तो कर्मों में बता दिया कर्म करने लगे, तो कर्मों का जब आवरण पड़ा अंतःकरण पर तो देखना सुनना। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। और दुख में तुमको जब देखा कि अब बहुत दुख तुमको मिल रहा है और जो सेवा के बस दे दिया तो हम आए तुमको जगाने चिताने ले चलने के लिए, तुम चलो तुम्हारा घर ये है, मैं तुमको पहुंचाऊं तुम्हारी मदद करूं, उसको ले चलूंगा और फिर जब पहुंच चलोगे घर में तो फिर कभी नहीं आओगे। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। तुम चलो, हमने शब्द का उपदेश किया, नाम को पकड़ो चलो अपने घर, सीधा नाम, तुमको नाम से ले आए थे, दोनों आंखों के पीछे बैठाया और तुमने नाम को छोड़ दिया, तुम्हें सब चीजों में लग गए, वहां इतना फतने को रहा कि अपने कान से अपने नाक से अपने मुंह से इसे देखने में तुम्हारा पता हो गया, तुमने गंदगी को जमा कर लिया और गंदगी का जब तुम्हारे ऊपर आवरण पड़ा तो अंधे हो गए, अब आग तो दिखाई नहीं देता। तो हमने नाम का उपदेश शब्द का उपदेश यहां किया, तुम चलो आसानी से शब्द पकड़ लो। शब्द शब्द पौढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सची। यदि हमने सीढ़ी बनाई है चढ़ी, सीढ़ी एक से एक, एक दूसरे दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, शब्दों की सीढ़ी बनाई है, एक स्थान पर पहुंचोगे तो वहां से दूसरा आ रहा, उसका पकड़ो फिर तीसरा आ रहा, उसका पकड़ो फिर पांचवा आ रहा, पकड़ते चलो कोई तकलीफ नहीं होगी। और हम रहेंगे बूंद देख, चलो भाई देखो जरा
समझा दो। बढ़ाओ जल्दी तो नहीं तो मामला गड़बड़ गया। थोड़ा कम करो, ठीक करो, आगे बढ़ाओ। प्रकट हो जाए और आवाज भी आने लगे, थोड़ी सी मेहनत अंतर्मुख होकर के नाम भी करनी है और कान की करनी है और नाप की करनी। ये रगड़ पड़े तो अतः रगड़ करे जो कोई भी होगा, जब रगड़ रगड़ करेगा तो हरण प्रवर चंदन से हो शीतल शीतल से आग पैदा हो जाती है, तो अग्नि पैदा होगी तो दिखाई देने लगेगा, जब ज्वाला जलेगी तो सर दिखाई देगा कि है क्या। कमरे का सर तामार अंतःकरण का सत्तामान, एक दबे तो बहुत बड़ा शहर है और बड़ा शहर में आनंद है, तो उनको बताया तो कहले अरे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, या कोई शहर नहीं है। तो कहते हैं ये झूठा है, रात्रि को भंडारा, 16 तारीख का जो प्रसाद है उसको लेकर के ही जाना, जो प्रसाद 15 को ले रहे हो वो तो आदमियों के ज्यादा होने की वजह से आदेश मिला है, तो 15 में जाना नहीं है, जाना आपको 16 ही में, भी जाना, लेकिन देखो रखो अपने पास संभाल करके।
जो जो नाम बोलूंगे सब लोग एक साथ बोलो, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, एक साथ आवाज निकलेगी। इतना ध्यान रखना अपनी जिंदगी में आप क्या मुझे अशुद्ध नहीं खाना, कोई भी चीज अशुद्ध। स्वामी महाराज कहते थे कि ज्ञान अज्ञान तुम्हारे पास है 24 घंटे में, सत्य आता रहता है और गंदगी आती है तो असत्य भी आता है, तो सत्य आता है तो सदबुद्धि हो जाती, असत आया तो कुबुद्धि हो गई। साधक को ये पहचान हो जाती है जब ये प्रवाह चल रहा है और ये चल रहा है।